तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अवध ग्लोब पर। तो दोस्तों, जो हमारा आज का वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि CCC का फॉर्म कौन से वेबसाइट पे मिलेगा और इसको किस प्रकार से ऑनलाइन करना है, वो भी स्टेप बाई स्टेप मैं आपको लाइव करके बताऊँगा। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को जरा आप स्किप ना करें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपको घर बैठे बैठे CCC फॉर्म को ऑनलाइन कैसे करना है आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि CCC फॉर्म को कौन से लीगल वेबसाइट से ओपन करना है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है नाइलेट, NILET, नाइलेट सर्च करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा nilet.gov.com। उसके बाद यहाँ पे आप इंटर करेंगे। आप जैसे इंटर करेंगे, आप नाइलेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर इंटर कर जाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पे राइट साइड में देखने को मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है CCC कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। आपको यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहें तो इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप सीधे आप यहाँ पे एक आपको बॉक्स दिखेगा, इसमें टिक करने के बाद यहाँ पे आपको आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, अब आप पहुँच चुके हैं अपने CCC के ऑनलाइन फॉर्म पर। तो दोस्तों, फॉर्म पे आने के बाद अब हमको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को ध्यान से पढ़ करके अब फिल करना है। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला हेडिंग देखने को मिल जा रहा है रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो दोस्तों, इन दोनों ऑप्शन को आपको नहीं छेड़ना है। अगर ये नो पे हैं तो इनको नो पर ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको दूसरा हेडिंग देखने को मिल जा रहा है एप्लीकेशन पर्सनल डिटेल, आवेदक का व्यक्तिगत विवरण। यहाँ पे आपको सबसे पहला हेडिंग देखने को मिल जा रहा है आवेदक का पूरा नाम। जैसे कि सपोज डैट मैं यहाँ पे CCC फॉर्म को ऑनलाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूंगा। सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा मिस्टर, उसके बाद अपना नाम लिखूंगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है केयर ऑफ, देखभाल। यहाँ पे आपको पेरेंट्स पर टिक कर देना है। उसके बाद तीसरा हमको देखने को मिल रहा है फादर्स नेम, यहाँ पे मैं अपने पिता का नाम लिखूंगा। उसके बाद मदर्स नेम, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा मिसेज, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा माता का नाम। उसके बाद देखने को दोस्तों मिल जा रहा है जेंडर, लिंग। यहाँ पे आपको अगर आप मेल हैं तो मेल पे सिलेक्ट करेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आ रहा है हमारा डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे दोस्तों आपको साइड में एक छोटा सा कैलेंडर देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पहले तो आप ईयर को सिलेक्ट करेंगे। ईयर सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि मैं आपको कुछ सिलेक्ट करके बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई सा भी ईयर ले रहा हूँ 2004 जून, उसके बाद 22। यहाँ पे देखिए 22 जून 2004 मेरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल हो गया है। उसके बाद आ गया दोस्तों कैटेगरी वर्ग, यहाँ पे आपका जो भी कैटेगरी रहेगा आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर सामान्य रहेगा सामान, SC ST जो भी रहेगा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद व्यवसाय आ गया, व्यवसाय में आपका अभी आप स्टूडेंट रहेंगे उसके लिए आपको अन्य पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ गया EWS, अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो यहाँ पे EWS को यस कर सकते हैं। उसके बाद डिटेल को भर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पर ही सिलेक्ट करने रहना है। तो दोस्तों, अब हम अपने तीसरे हेडिंग के ऑप्शन को फिल करेंगे। जैसा कि हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन है फ़ोन विथ STD कोड, दूरभाषा STD कोड सहित। अगर आपका कोई भी STD नंबर रहेगा तो उसे आप फिल करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो आप इसे छोड़ देंगे। इसके बाद आता है हमारा मोबाइल, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे जो कि हमेशा ऑन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा ईमेल आईडी, यहाँ पे आप एक ईमेल आईडी को फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों आ गया हमारा चौथा हेडिंग एड्रेस डिटेल, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। इस ऊपर के 3 लाइनों में आपको अपना एड्रेस सही तरीके से फिल कर देना है।
उसके बाद दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन है सिटी नेम। आप किस शहर में रहते हैं उस सिटी का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद आ गया स्टेट, मतलब राज्य। आप यहाँ पे अपना जिस भी स्टेट में रहेंगे उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आप अपने ज़िले को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मांग रहा है हमारा पिन कोड, आपके एरिया का पिन कोड जो भी रहेगा आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारा पाँचवा हेडिंग, एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन डिटेल। तो दोस्तों इसमें आपका जो भी हायर एजुकेशनल रहेगा, जैसे कि आप इस समय अगर ट्वेल्थ में है तो यहाँ पे आप ट्वेल्थ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आ गया ईयर और पासिंग, आप किस साल में ट्वेल्थ पास किए रहेंगे उसको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा छठवां हेडिंग, एग्जामिनेशन डिटेल। जैसा कि आप यहाँ पे पूछ रहा है अप्लाइड एज किस ग्रुप में आवेदन किया है, डायरेक्ट या फिर इंस्टीट्यूट के द्वारा। आपने डायरेक्ट किया है तो डायरेक्ट, अगर किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा करवाया है तो आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछ रहा है आपको अप्लाइड फॉर एग्जामिनेशन, किस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एवरी मंथ सिलेक्शन पर कर देना है। उसके बाद दोस्तों पूछ रहा है एग्जामिनेशन लोकेशन, आप में आपको जो आपके जो नज़दीकी जो स्टेट रहेंगे उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देगा, इन दोनों ऑप्शन में से आपको यहाँ पे दो ऑप्शन और देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हमारा सातवां आ गया आइडेंटिफिकेशन डिटेल, पहचान की सूचना। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगेगा पासपोर्ट साइज़, उसका जो भी रेजुलेशन है यहाँ पे आपको दिया है। उसके बाद यहाँ पे एक सिग्नेचर और यहाँ पे एक थंब इम्प्रेशन लगेगा। तो दोस्तों इन तीनों टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इन सबको भरने के बाद आपको यहाँ पे इस बॉक्स में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।